नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज बात से शुरू की जाए। याद कीजिए बिहार का चुनाव। लगभग एयरपोर्ट पे 35 हेलीकॉप्टर खड़े रहते थे, 16 चौपर खड़े रहते थे। याद कीजिए यूपी का चुनाव, 72 हेलीकॉप्टर और 3 चौपर हमेशा हमें देखने को मिले। दोनों राज्य बाढ़ से जूझ रहे हैं, किसी नेता को फुर्सत नहीं हेलीकॉप्टर ले लिया जाए, चौपर ले लिया जाए। ये दूर की गोटी है, किसी ने कहा तो हमने सुना दिया क्या? लेकिन आइए, मसला यह है कि इस बाढ़ से इतर इस देश में क्या सिस्टम ही बह गया है? इस बात का जिक्र क्यों हम कर रहे हैं, इस पहली रिपोर्ट से समझते हैं। सामान भी ट्रक में आया हुआ है, जितने लोग यहाँ पे बांध पे खड़े हैं वो कृपया नीचे उतर जाएं। राहत सामग्री का जो भी एनडीआरएफ टीम को दिया गया था, अगर कोना बता दिया कि इस कोना में रहना है तो बस वहीं तक रह गया। अंदर जाके कोई पब्लिक को नहीं सेवा हुआ। खाने के लिए नहीं, माल जाल बेघर हो गया, हम लोग बेघर हो गए। नहीं ठंडा हो रहा है, नहीं कुछ, नहीं प्लास्टिक मिल रहा है। हर घर में पानी चला गया और लगभग हमको लगता है 100-150 घर यहाँ है। ये आंकड़े बाढ़ की त्रासदी की कहानी कहते हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, 80 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी है और 5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति बर्बाद हो चुकी है। और ये हाल यूपी, बिहार, बंगाल, असम, गुजरात सबसे बुरे हालात में। और इसके अलावा देश के 9 और राज्यों के 42 जिलों में बाढ़ तले जीना मुश्किल है। तो क्या इसे प्राकृतिक आपदा कहकर खामोश हो जाया जाए, या फिर पीएम से लेकर हर सीएम के आसमानी दौरे के बाद मदद की रकम तले मान लिया जाए राज्यों ने अपना काम पूरा कर लिया? तो आइए पहले इस सच को ही देख लीजिए कि जब बाढ़ हर बरस आती है, हर बरस योजना आयोग से लेकर अब नीति आयोग भी आकलन कर रहा है, बाढ़ रोकने के लिए कुछ नई योजनाओं के लिए खूब सारे बजट को आवंटित किया जा रहा है, तो भी ऐसा क्यों होता है? जी, सीएजी की रिपोर्ट कहती है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ को लेकर किसी राज्य ने कुछ किया ही नहीं। यानी 2007 से लेकर 2016 तक के हालात को देख लीजिए। असम को 2383 करोड़ रुपए देने थे, दिए गए 813 करोड़। बिहार को 1818 करोड़ देने थे, दिए गए 907 करोड़। यूपी को 1049 करोड़ देने थे, दिए गए 401 करोड़। गुजरात को 19 करोड़ 79 लाख रुपए देने थे, दिए गए 2 करोड़। यानी इन 4 राज्यों में 350 लोगों की मौत हो गई, 50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। तो क्या ये सब सरकारी कामकाज के फेल होने का ही नतीजा है? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट तो साफ कहती है बीते 9 बरस में 12,242 करोड़ के कामों को मंजूरी दी गई, लेकिन सिर्फ 4,723 करोड़ ही जारी किए गए। यानी 61% रकम जारी ही नहीं हुई, तो काम होगा कैसे? यानी बाढ़ नियंत्रण की कोशिश जब सिफर रही, तो फिर बाढ़ से होने वाले मौतों पर सियासी आंसुओं का मतलब है कितना? उससे ऐसा लगता है कि एक तरह से जो फ्लैश फ्लड के बाद जो नुकसान होता है, उसी तरह का नुकसान देखने को मिला। लोगों के मकान जो झोपड़ी थे या पक्के मकान थे, वे टूट गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं बाढ़ के कारण। और लोगों को पक्का मकान दिलाने की व्यवस्था जिला प्रशासन करे, उनकी सूची बना करके ये व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस सियासी दर्द को मत देखिए, क्योंकि जब दिल्ली से लेकर राज्यों की लापरवाही का आलम यह रहा कि बीते 9 बरस में बाढ़ नियंत्रण के लिए 517 योजनाओं में से 220 योजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई, और सीएजी रिपोर्ट के जरिए हालात को अगर बारीकी से देखिएगा तो हो सकता है शर्म आ जाए। क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में 219 टेलीमेट्री स्टेशन का लक्ष्य था, लेकिन 2016 तक सिर्फ 56 ही बन पाए। 375 टेलीमेट्री स्टेशनों में 222 ठप पड़े हैं, लिहाजा जल स्तर और मौसमी सूचनाओं का रियल टाइम डाटा सरकारों को मिलता ही नहीं। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ 2 ने ही मानसून के पहले और बाद में बांधों का निरीक्षण करवाया। तो क्या बाढ़ नियंत्रण किसी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है? जी, यकीनन नहीं है। और इसी का असर 1954 में 1 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ के पानी के घेरे में आता था, जो बढ़कर 4 करोड़ 56 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। और इन सब के बीच बाढ़ सुरक्षा विधेयक 2010 अब भी लटका पड़ा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं लटकता, वो लगातार बढ़ रहा है। और बाढ़ नियंत्रण पर रकम की चिंता किसी को है ही नहीं।
तो किस रकम को देख लीजिए। देश में बाढ़ नियंत्रण के नाम पर आज तक तकरीबन 8,15,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके 1,49,100 से ज्यादा मौत हो चुकी है और कोई इसकी गारंटी लेने को तैयार नहीं अगले बरस ऐसा नहीं होगा। सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन सीएजी की रिपोर्ट कहती है सिस्टम काम नहीं कर रहा है, लेकिन सिस्टम काम तो इंस्टीट्यूशंस के जरिए करता है। और आइए हम उसकी फेरिस्त दिखा देते हैं, कैसे कैसे कहां कहां केंद्रीय जल आयोग यह भी बना हुआ है। दूसरी स्थिति देखिए, गंगा फ्लड कंट्रोल मिशन ये 1972 में बना था, यह भी काम कर रहा है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड 1980 में बना, यह भी काम कर रहा है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना, यह भी काम कर रहा है। टास्क फोर्स 2004 में, ये भी लगातार काम कर रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये भी काम कर रही है। स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, यह भी काम कर रही है। हर राज्य में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड अलग से है, वह भी काम कर रहा है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि लिखना पड़ता है सिस्टम बह गया, लेकिन सिस्टम बहता भी नहीं है। सिस्टम तो हथेलियों में चलता है और सियासत या राजनीतिक सत्ता की हथेली जैसे चाहे वैसे सोचती है। लिए चलते हैं आपको जयपुर। ये जयपुर के अमरूदों का बाग है। 20 दिन पहले हमने दस्तक में ही बताया था कैसे दिन भर खुले मैदान में लोग शौच करते हैं और हर दिन तकरीबन 10,000 लोग यहाँ दिन भर शौच के लिए आते ही रहते हैं। अब यहाँ क्या, अब गरीब लोग रहते हैं, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ जैसे एक एक झोपड़ी है तो अब वो रहेंगे, लेटरिन बाथरूम बनाई है, इसलिए खुले में जाते हैं शौच के लिए। इसी जगह में वसुंधरा आती है, कई बड़े बड़े नेता लोग आते हैं इसी जगह में। उनको ये पता नहीं कि यहाँ औरतें भी लेटरिन करती होगी या मर्द भी करते हैं। तो दस्तक का असर हुआ और पहिए पर सवार शौचालय खड़े दिखाई देने लगे। लेकिन इस शौचालय में ताला इसलिए लगा है क्योंकि यह सिर्फ दिखलाने के लिए ही है। यानी शौच की निकासी होगी कैसे, किस जमीन पर होगी, बीजेपी के मुताबिक इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं। वो पूरी लैंड जो है वो राज परिवार और गवर्नमेंट का जो केस चला उस पे रिसीवर बैठा हुआ है। रिसीवर के बिना परमिशन के वह ना हम सीवरेज लाइन डाल सकते, ना हम टॉयलेट्स वहाँ पर बना सकते। जो हमने रोड के किनारे पर रखे थे उन रोड के किनारे टॉयलेट्स को जब तक हम सीवरेज से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो टॉयलेट वहाँ कोई काम से नहीं होगा। तो सिर्फ मौजूदा सरकार ही नहीं बल्कि हर सरकार के सामने मुश्किल यही रही कि वो सार्वजनिक शौचालय बनाए कहाँ, क्योंकि उसके पास तो जमीन है ही नहीं। तो फिर सरकार के पास जमीन है किस बात के लिए, तो ऐसे में जरा इस लिस्ट को देख लीजिए। नागौर, राजसमंद, हनुमानगढ़, सिरोही, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बूंदी, दौसा, करौली, झुंझुनू, टोंग, किशनगढ़, डूंगरपुर जी, और हर जगह कितनी जमीन दी गई है उसका भी जिक्र है। यानी जिले दर जिले ये जमीन बीजेपी दफ्तर के लिए है। 14 जिलों में जमीन आवंटित की जा चुकी है, बाकी 19 जिलों में जल्द ही जमीन आवंटित कर दी जाएगी। सब जगहों पर सत्ताधारी पार्टी के दफ्तर तैयार होंगे। यानी शौचालय के लिए जमीन नहीं, लेकिन पार्टी दफ्तर के लिए जमीन है। और खास बात ये सभी जमीन प्राइम लोकेशन पर है, सस्ती में उपलब्ध कराई गई है, लैंड यूज बदला गया है। मसलन झालावाड़ की इस जमीन को ही देख लीजिए। झालावाड़ की इस प्राइम लैंड पर कल बीजेपी का दफ्तर बनकर खड़ा हो जाएगा। और ये सब तब हो रहा है जब राजस्थान हाईकोर्ट का निर्देश बहुत साफ है, सिवाय व्यापक जनहित के मुद्दे के लैंड यूज बदला नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आप इसको आज जनहित में लेकर जाते हैं तो एक बहुत ही डेंजरस प्रीसिडेंट हो जाएगा। कल जब दूसरी पार्टी आएगी तो इसको कैंसिल करेगी, हमारे टैक्सेस वेस्ट होंगे, और शायद कैंसिल ना करके वो भी ऐसे ही लोगों के प्रॉपर्टीज को, प्रेमाइसिस को सस्ते दामों पे ले लेगी और उसका CLU यूज कर चेंज करा के वहां पे अपने दफ्तर खोल देगी। तो जिन जमीनों पर बीजेपी दफ्तर बनना है उन आवासीय और वाणिज्यिक जमीनों का लैंड यूज बदल कर इंस्टीट्यूशनल किया जा रहा है। और राजस्थान सरकार के नगरीय विकास मंत्री ये कहने से नहीं चूकते कि दरअसल बीजेपी दफ्तर को ये जमीन दी जा रही है, तो फिर बीजेपी दफ्तर का काम भी तो जनहित का ही होता है। मैं जन समस्याओं को भी सुनते हैं, संगठन का काम भी चलता है, इसलिए हमने उसको लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मानते हुए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी डिमांड की उनको कार्यालय की जमीन हमने उपलब्ध कराई है, और भी अन्य पार्टियां अगर चाहेगी उनको भी हम देने के लिए तैयार। तो संस्थानिक यानी इंस्टीट्यूशनल दर का खेल ऐसा कि ये दर कहीं भी निर्धारित नहीं, इसे सरकार और लोकल बॉडी तय करती है।
इसीलिए इस कैटेगरी में जमीन सस्ती आवंटित होती है। यूं ये फैसला बीजेपी के दफ्तर के लिए सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने लिया है, तो फिर निशाने पर अब कांग्रेस ने उसे लेना शुरू कर दिया। की पार्टी, आपकी सरकार है, आप सत्ता में हो और आप अपने आप को कंसेशनल रेट पे जमीन एलोकेट करवा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने सीधा कहा है कि बहुत ऐसे बहुत कम कारण बताए हैं जब आप लैंड यूज चेंज कर सकें। और लैंड यूज चेंज क्यों किया जा रहा है, सिर्फ बीजेपी का एक आलीशान ऑफिस बन सके जिला मुख्यालयों पर, ये चुनाव से पहले कोशिश कर रही है भाजपा की सरकार करने का। जो सरकार लैंड यूज बदल सकती है, लेकिन सवाल तो यही है, एक तरफ जनहित के लिए, वह भी शौचालय के लिए जमीन नहीं, और दूसरी तरफ पार्टी दफ्तर के लिए जमीन का आवंटन ये कहकर कि यही जनहित है। आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद आनंद फानंद में सरकार ने सड़क किनारे शौचालय तो लाकर रख दिया, लेकिन ये शौचालय शुरू नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सीवरेज लाइन बिछाने के लिए सरकार के पास यहाँ जमीन नहीं है, लिहाजा सभी शौचालयों पर इसी तरह से ताला लटक रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी दफ्तर खोलने के लिए, बीजेपी को देने के लिए सरकार के पास जमीनें हैं, हर जिले में बीजेपी दफ्तर के लिए सरकार जमीन आवंटित कर रही है। कैमरा मैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। तो सिस्टम हथेली पर भी नाचता है, लेकिन हिंदुस्तान की फितरत तो ये है कि इस देश में सस्ता भोजन दिला दीजिए, चाहे दुनिया में अपने बात का जिक्र कीजिए, हम विकसित हो चले हैं। स्थिति आज निकल कर आई दरअसल एक नए कैंटीन के जरिए। तो देश के आईटी कैपिटल में इंदिरा कैंटीन 10 रुपए में पेट भर देगी, और इससे पहले देश के इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई में झुनका भाकर 7 रुपए में पेट भर चुका है। और दुनिया के सबसे ज्यादा भूखे लोगों के देश का सच यही कि सत्ता में टिके रहने या सत्ता में आने के लिए विकास की चकाचौंध तो दूर, सस्ते में 2 जून की रोटी की व्यवस्था करा दी जाए तो वोट बैंक पक्का मान लेना होगा। तभी तो तमिलनाडु में अम्मा कैंटीन 10 रुपए में पेट भरती है, राजस्थान में 2016 में 5 रुपए में भरपेट भोजन देने के लिए अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू हो गई, उड़ीसा के 30 जिलों में सरकार 5 रुपए में भोजन देने का दावा कर रही है, आंध्र प्रदेश में एनटीआर अन्ना कैंटीन मशहूर है, लेकिन यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए, मध्य प्रदेश के 49 जिलों में 5 रुपए में भरपेट भोजन देने वाली दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना चल रही है, दिल्ली में एनजेपी अस्पताल में 10 रुपए में भोजन देने वाली आम आदमी पार्टी कैंटीन की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन पंजाब में कैप्टन सत्ता में आते ही पलटी मार गए। चुनाव प्रचार के दौरान सूबे के गरीबों को 5 रुपए में थाली देने का वायदा जोर शोर से किया, सत्ता मिल गई तो पार्टी और कैप्टन दोनों को समझ में आ गया मुश्किल है, बजट नहीं। तो क्या गरीबों को सस्ती थाली की योजना एक ऐसा सरकारी मजाक है जिसमें गरीबों की भूख को राजनीति का हिस्सा बना दिया जाता है? क्योंकि सच तो यही है, देश की 25% आबादी भूखे पेट सोने को मजबूर है, और दुनिया के 118 भूखे देशों की कतार में भारत का नंबर 97 है। तो गरीबी हटाओ के नारे के बाद अब इंदिरा कैंटीन भी देख लीजिए। लेकिन कहते हैं श्रीनगर दिल्ली पर भरोसा करता क्यों नहीं है, वहां की सियासत एक अलग दिशा को क्यों पकड़ती है? लाल किले के प्राचीर से ऐलान हुआ श्रीनगर में ये बात, लेकिन लोगों को हजम क्यों नहीं हो रही है, रिपोर्ट देखिए। बंदूक से मसले हल नहीं होंगे, बंदूक से आदमी को मारा जा सकता है मगर उसका भूख नहीं मिटाई जा सकती। कोई भी मिनिस्टर उठे वो गन से हल नहीं हो सकता। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी फौज को कहें कि इनको इनके ऊपर गोलीबारी चलाओ, ये नहीं हो सकता। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है, समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। ये आवाज सियासत की है जी, बंदूक नहीं, जिक्र प्यार का है, जिक्र मोहब्बत का है, और इसका जिक्र हर सियासतदान ने अपने अपने वक्त में खूब किया। तो फिर कश्मीरियों के जहन में आज भी दिल्ली को लेकर सवाल क्यों है? पिछले 10 सालों से कहते आ रहे हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर वैसा नहीं हो रहा है, वो सिर्फ बोल ही रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ मतलब गले लगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ जहां तक मेरा अंदाजा तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो भरोसा जागता क्यों नहीं और अब उम्मीद जगेगी कैसे? तो जन्नत से खंडर में बदलते कश्मीर को खंडर के साए में खड़े होकर जन्नत को पहले महसूस कर लीजिए। लोहे की तारों में तब्दील हो चुकी 4 दीवारी, भुरभुरी मिट्टी में बदल चुके रोशनदान,
गंदगी और वक्त की गर्दिशी में खो चुके दरवाजे। और खंडर में तब्दील इस इमारत का दिल कभी कश्मीर के लिए धड़कता था, मजलिस लगा करती थी, तकरीरें हुआ करती थी। और 1947 में विभाजन के ऐलान के बावजूद यही वो इमारत थी जहां 16 अगस्त 1947 को फिल्म शहनाई रिलीज हुई, तो उस वक्त कश्मीर के हर कोने से हर तरह के व्यक्ति फिल्म देखने पहुंचे। तो श्रीनगर के लाल चौक पर खंडर नुमा यह इमारत एक वक्त पैलेडियम सिनेमा हॉल हुआ करती थी। और पैलेडियम कश्मीर के उस दौर का गवाह रही जब विभाजन हुआ नहीं था, जब भारत और पाकिस्तान बने नहीं थे, जब कश्मीर कमोवेश आजाद रियासत थी, जब यहाँ डोगरा राजवंश का राज था। हम इस वक्त श्रीनगर शहर के लाल चौक में हैं और मेरे पीछे जो ये बची कुची बिल्डिंग है, ये पैलेडियम सिनेमा कहलाई जाती थी। कश्मीर के पॉलिटिकल इतिहास में लाल चौक और इस पैलेडियम सिनेमा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। लेकिन आतंक के साए में 1992 में पैलेडियम में आग लगा दी गई। आतंक और उस दौर को अपनी यादों में समाये तब के बेग साहब आज भी अपने मेवे की दुकान पर बैठकर उस अतीत को याद तो जरूर करते हैं। बहुत 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 पुशन था, बहुत मशहूर था कुकर बाजार। नीलम के सामने ये जो सामने ये हमारा होटल था ओरियन, उसके सामने था, उस पर तकरीर भी करता था। अच्छा। बख्शी साहब ने भी तकरीर किया, पंडित जी ने भी तकरीर किया। अच्छा। बहुत अच्छा तकरीर सुने थे, यही शेख साहब जहाँ तक था वहाँ तक तकरीर सुनता था। तो कश्मीरियों के लिए बीतते वक्त के साथ जिंदगी बदली है, जीने का तरीका बदला है। सिर्फ अतीत की सुनहरी यादों का सिलसिला ही संजोए हुए हैं ये लोग। सिनेमा देखने से बाहर का उधर का डाउन टाउन का आता है, इधर का आता है, इधर फुर्सत ही नहीं था, इधर इतना भीड़ होता था, खाने वाला भी होता था, होटल वाला भी होता था, बहुत मजे में चलता था। बहुत दिन देखा है, बहुत खेले देखे। 5.5 आना टिकट था, 5.5 आना जो ब्लैक लेता था उसको 8 आना या 9 आना बस। न गोली से समस्या सुलझने वाली है। तो प्रधानमंत्री ने तो जिक्र कल ही किया, लेकिन याद कीजिए 14 बरस पहले मौजूदा कश्मीर के सत्ताधारी पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद ने कहा था, ना बंदूक से ना गोली से बात बनेगी, बोली से। कोई मसला हल नहीं होगा, अगर होगा कोई मसला हल गुप्त शरीर से होगा, बातचीत के जरिए से होगा। और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने तो संविधान के दायरे से हटकर इंसानियत और जमहूरियत तले कश्मीरियों में भरोसा जगाने की कोशिश भी की थी। जमहूरियत, इंसानियत और हम कश्मीरियत को बचाएं। लेकिन वाजपेयी से मोदी तक के दौर में आतंक की दस्तक जारी रही, बंदूकें गरजती रही, गोलियां चलती रही। एक तरफ 10,874 आतंकवादी मारे गए तो 2,799 सुरक्षाकर्मी इसी दौर में शहीद हो गए। और कश्मीर की त्रासदी यही रही कि गरजती बंदूकों के बीच वाजपेयी से मोदी तक के दौर में यानी 16 बरस में 4,468 आम कश्मीरी नागरिक मारे गए। श्रीनगर और दिल्ली में दूरी इतनी भी नहीं जिससे तय न किया जाए, लेकिन पिछले 25 साल के दौरान कश्मीर में गर्जे बंदूक और गोलियों की आवाज दिल्ली तक नहीं पहुंची और कश्मीर में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत छलनी हो गई। कैमरामैन तारिक लोन और शुजाउल हक के साथ अशरफानी, श्रीनगर आज तक। और आज मनीषा कोइराला का जन्मदिन है।